हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राज लालवानी। मैं आप लोगों को ACF बायोलॉजी का जो पेपर 2 का एक सब्जेक्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे आप लोगों के ACF एग्जाम 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये उसके ऑप्शंस है 1, 2, 3, मैनी एंड नन। देखो, अगर डायरेक्टली मैं अगर इसको आपको बता दूं कि भाई इसका आंसर ये है और शॉर्ट में बता दूं, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आपका आगे आया तो उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका हमको बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि भाई हाँ, ये बेसिक नॉलेज में ये आता है ना। तो इसमें सबसे पहली बात, जो इसमें दो की फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, वो भी जीरो लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलील्स क्या होते हैं और ये मालूम होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर दो की फैक्टर हैं, दैट इज एलील क्या है और जीन क्या है। तो भैया अगर हमको एलील और जीन मालूम चल गया तो हम इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी जीन से रिलेटेड या एलील से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम वो भी आगे बना लेंगे, क्योंकि ऐसा ही आए ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसको समझने के लिए और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमको आगे बनाने के लिए हमको ये मालूम करना है कि भैया ये जीन क्या होता है, ये एलील्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है जेनेटिक्स का। जीन और एलील्स आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, लेकिन जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो रहता है या इवोल्यूशन में भी हमको देखने को मिलता है, ये दोनों आपके सिलेबस में है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो होता है वो आपको इवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है। तो अब हम एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहली बात, हम जीन को फोकस करेंगे, देन एलील को फोकस करेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है यार, ये जीन पहली बात होता कहाँ है और ये एलील पहली बात होता कहाँ है। तो चलिए मैं एक एक करके देखते अपन एक एक करके देखते जाएंगे कि जीन और एलील कहाँ पाए जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट था वो था जीन। तो हमको जीन को समझना है ना। तो जीन को समझने के लिए छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे मान के चलो कि आपका जो स्किन का कलर है, ठीक है, हमारे इस दुनिया में हर एक इंसान का स्किन का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, वेरी करता है, 7 टाइप के स्किन के कलर्स पाए जाते हैं, उसके भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हेयर का कलर होता है सभी का, आंखों का कलर होता है सभी का, ठीक है, और साथ में एक सिमिलैरिटीज भी है। ये तो कुछ कुछ डिसिमिलैरिटी हो गई, एक सिमिलैरिटी भी है कि हम सभी एक जैसा खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि लकड़ी खा रहे हैं उसको भी डाइजेस्ट कर पाए। तो हम जो खाना खा रहे हैं भाई, दुनिया में जो जितने ह्यूमन हैं वो उस टाइप के खाना को पचाने में सक्षम है। ठीक है, वो सक्षम इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में उस खाने को पचाने के लिए एंजाइम होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को। हम जो कुछ खाते हैं, हम जैसा सांस लेते हैं, हम जैसा जीते हैं, हमारी बॉडी का जो खून का कलर रेड होता है, ये सभी में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटी लेकिन होता एक जैसा ही है। तो हम सब में कुछ कुछ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन एक जैसा ही होते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी के, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर जैसे कि स्किन का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, सभी इंसानों की हाइट जो है वो आपका 6-6.5 फीट से ऊपर नहीं जाता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हम जिराफ जितना लंबा हो जाएं, या एकदम ही जो इंसान का बच्चा है वो चूहे जितना ही छोटा रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, हमारा हाइट, वेट, स्किन का कलर, ये लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इन सभी को अब आप ये सोचेंगे कि यार जीन और इनका क्या रिलेशन है। तो आपको बता दूं, जितनी चीजें मैं अभी आपको बताया हूं, हमारी बॉडी में जितनी सिमिलैरिटीज हैं, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, सारे ह्यूमन जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, फेस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी, ठीक है, हमारे स्किन का कलर, ये जो है इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन होते थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। तो ये सभी का जो कैरेक्टर्स है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है जीन्स। तो हमारी बॉडी में, हम सब की बॉडी में
जो भी करेक्टर होता है, चाहे स्किन का कलर हो, चाहे बॉडी का हाइट हो, चाहे बॉडी का वेट हो, चाहे हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जीन होता कहाँ है। मैं आपको बता दूं, जीन हमारी बॉडी के हर एक सेल में होता है। फिर एक सवाल आएगा, हर एक सेल में कहाँ पर होता है? तो वही हमको देखना है यहाँ पर कि जैसे हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? एक सेल से बनी है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? हर एक एक सेल से मिलकर के बनी है। तो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, करोड़ों अरबों में सेल्स होते हैं। पूरी बॉडी का निर्माण सेल से ही होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ध्यान से समझते जाएंगे एक एक करके, मैं आपको पूरा एक एक जीरो लेवल से समझा रहा हूं। तो न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस को मैं बाहर दिखाऊंगा। तो ये न्यूक्लियस में क्या होता है? तो ध्यान देंगे, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ध्यान से समझते जाएंगे। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या चीज होते हैं? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए से बना है। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं या उड़ाते हुए देखे हैं, तो पतंग जो उड़ता है वो एक धागे से उड़ता है, और जो पतंग का धागा होता है उसको लपेटने के लिए एक चक्री होता है। तो मान के चलो कि जब हम पतंग उड़ा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सारा धागा को चक्री में लपेट लेते हैं, ठीक है। और चक्री में सारा धागा लपटा हुआ रहता है, मतलब कॉइल्ड रहता है। तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो एक चक्री के जैसे है और डीएनए धागे के जैसे। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कॉइल फॉर्म में होता है। अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकाल दूं तो ये करीब करीब ऐसा कुछ दिखेगा, ये करीब करीब ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ये करीब करीब कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या चीज है भैया? ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ध्यान से सुनते जाना, है ना। तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक के डीएनए को कॉइल्ड कर दूं, ठीक है, यहां से यहां तक के डीएनए को कॉइल्ड कर दूं, तो वो डीएनए कॉइल होकर के मुश्किल से इतना बड़ा ही होगा। तो ये मैं जो दिखा रहा हूं आप लोगों को पूरा, ये करीब करीब इतना छोटा क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसमें कॉइल्ड डीएनए को दिखा रहा हूं। तो फिर से देखेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम होता क्या चीज? इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एकदम कॉइलिंग हो गई है और वो क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन अभी भी एक चीज बचा है, हम पढ़ना क्या चाहते हैं? जीन। तो हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं हम एक एक करके। तो ये जो डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन, डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। ध्यान रखेंगे, डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है जीन। और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर को, हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन को, मेरी आवाज जो ऐसी है, ठीक है, मेरी आवाज का जो भी विड्थ है, जैसे कि जब मोटा होता है आवाज या पतला होता है किसी का, जैसा भी आवाज की जो क्वालिटी है वो भी हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे अमिताभ बच्चन का आवाज अलग है, मेरा आवाज अलग है, ठीक है, बाकी दुनिया में हर एक आवाज जो है थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो ये जो कैरेक्टर है, आवाज भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा जीन। तो कुल मिलाकर के हमारी बॉडी में ढेरों कैरेक्टर्स हैं, दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं। खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर के ब्लड को बनाने के लिए भी जीन होता है, आरबीसी को बनाने के लिए भी जीन्स होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो जीन है वो डीएनए में ही होता है। तो डीएनए का एक पार्ट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन स्किन के कलर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन स्किन कलर के लिए काम करता है। तो ये जीन जब एक्टिवेट होगा, ये जीन जब काम करेगा तो स्किन का कलर आएगा। समझ आया बात आप लोगों को? वैसे ही ये जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही डीएनए में और भी जीन्स होते हैं, दूसरी चीज के लिए और भी जीन्स होते हैं, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ठीक है। तो हमारे जो डीएनए है उसका छोटा छोटा सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं।
किसको बोलते हैं लेकिन जीन? ऐसा छोटा सेगमेंट डीएनए का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया भैया ये जीन कहाँ होता है, क्या काम करता है ना, कहाँ होता है, ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं एलील के लिए, है ना। एलील बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमारे जो बॉडी में, हमारे बॉडी में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है इतना? 46 जो पार्ट है क्रोमोसोम वो दो तरीके से होता है, ध्यान से सुनना। 44 का एक ग्रुप प्लस, अगर वो मेल है तो एक्स वाई, और अगर फीमेल है तो एक्स एक्स, ठीक है, तो एक्स वाई या फिर एक्स एक्स होगा, तो ऐसे मिला के 46 होगा। अभी ध्यान से सुनते जाएंगे। लेकिन ये जो 46 है ये कैसे होता है? ये 23+23 नंबर में होता है। इसका मतलब क्या है? हर एक क्रोमोसोम का उसी के जैसे एक क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग होता है, ऐसा एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ में पेयरिंग होता है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? ऐसा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक जीन जो है, कोई एक पर्टिकुलर जो काम कर रहा है, वो कभी भी सिंगल नहीं होता। उसको काम करने के लिए अपने जैसे एक जीन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक कैरेक्टर है, जैसे स्किन कलर है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर स्किन कलर एक कैरेक्टर है, एक फंक्शन है हमारे जीन का। तो इस फंक्शन को दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ये जीन हमेशा पेयर में होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये स्किन कलर के लिए जो जीन है वो यहाँ पर है, इधर देखेंगे, स्किन कलर के लिए जो जीन है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो वो एक क्रोमोसोम में या एक डीएनए में ना होकर के दो क्रोमोसोम या दो डीएनए में होगा। तो ये जो जीन है वो स्किन कलर के लिए होगा, ठीक है, ये जीन जो है वो स्किन कलर के लिए होगा। या तो ये डोमिनेंट जीन होगा या फिर रेसेसिव होगा, ये डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा, बट दोनों के दोनों जीन सेम फंक्शन के लिए ही होते हैं। और जब दो जीन सेम फंक्शन के लिए पाए जाते हैं तो वो कोई एक काम करते हैं। मतलब कोई भी काम करने के लिए, हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमेशा जीन पेयर्स में पाए जाते हैं। और वो जीन जो पेयर्स में पाए जाते हैं अलग अलग क्रोमोसोम में, उस टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? उस टाइप के क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अब इसको मैं अपन बड़ा करके देखेंगे एक एक करके। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए तो अब इसको देखते हैं। मैंने बताया कि 46 क्रोमोसोम 23+23 के पेयर में होते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है ना, और यहां पर कोई एक जीन है। तो ये जीन कोई एक पर्टिकुलर काम करेगा, ये जीन पर्टिकुलर काम करेगा, मान के चलो ये ए जीन है, ये भी ए जीन है, तो ये पेयर हो गया ए जीन, ठीक है, ये ए जीन, ठीक है। तो हमेशा जीन पेयर्स में होंगे, ध्यान रखेंगे, जीन हमेशा पेयर्स में होंगे। और वो क्रोमोसोम जिसमें, वो दो क्रोमोसोम जिसमें एक कैरेक्टर के दो जीन है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और वो जीन पेयर, और वो जीन का पेयर जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है उसको बोलते हैं एलील। तो एलील समझ आया आप लोगों को? तो एलील क्या चीज है? जीन के पेयर को बोलते हैं एलील। तो जीन का पेयर जो एक पर्टिकुलर काम करता है, ऐसा जीन का पेयर जो अलग अलग क्रोमोसोम में होगा, ऐसा जीन का पेयर जो अलग अलग क्रोमोसोम में होगा लेकिन कोई एक पर्टिकुलर काम करेगा, उस जीन के पेयर को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ जीरो से समझाते आया हूँ, एलील बोलते हैं। फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन था, ठीक है, फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भैया जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, एलील क्या होता है, और कोई जीन और एलील एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन है उसमें क्या काम करता है और कितने रहते हैं।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर जैसे हेयर को, ठीक है, हेयर की ग्रोथ के लिए जीन है आपकी बॉडी में, तो मैं आपसे पूछूं तो कितना जीन होगा, तो आप बोलोगे दो जीन है, ठीक है। कितना एलील है बोलूंगा हेयर की ग्रोथ के लिए, तो एक एलील है, जीन का पेयर को एलील बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो जीन और एक एलील जो रहता है जीन पेयर, ये कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन क्या आया है, ध्यान से देखना, यहाँ क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन। तो भैया पॉपुलेशन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनमें बहुत सारे जीन भी होंगे किसी एक कैरेक्टर के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ पॉपुलेशन। तो अब आप लोगों को ये इसका आंसर आसानी से समझ आ गया होगा कि कितना होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा कि मैनी होगा। दैट इज इसका आंसर क्या है, मैनी। इसका आंसर क्या है, मैनी। क्यों? क्योंकि एक में आपको एक एलील मिलेगा और दो जीन मिलेगा, बट बहुत सारे है ना, पॉपुलेशन वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत सारे में बहुत सारे होंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम देखते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।